हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये ऑप्टिकल ग्लास एंड मेटल ट्यूब का ये टेलीस्कोप, जो कि लंदन स्काई टेलीस्कोप है और ये 90x पावर का है, हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, ये कितना जूम कर सकता है और ये इसको हम कैसे असेंबल करें। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर हमको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये है एक मैनुअल, जिसमें आपको दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज करें, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा लेंस, और ये भी हमारा एक लेंस ही है। ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर हमारा टेलीस्कोप खड़ा रहेगा। ये एक नॉट है, और ये है एक इरेक्टिंग आईपीस। तो चलिए इसको हम असेंबल करते हैं। इसको असेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। इसके बाद ये जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने जो स्क्रू इसके अंदर मिला था उसको इसके ऑपोजिट साइड से इंसर्ट करके इसको फिक्स करना पड़ेगा। और अब ये देखिए, हम लोगों का टेलीस्कोप हो गया है रेडी। यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग पावर के लेंसेज दी गई है दो दो, इसके हेल्प से हम लोग देख पाएंगे। आपको इन दो लेंसेज से 90x तक जूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग को ये एक इरेक्टिंग आईपीस दिया गया है। इसको इंसर्ट करके ही हम 90x तक जूम कर पाएंगे, इसके बिना 90x नहीं होगा। इसको इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपको ये वाला यहाँ पर इसको यहाँ से हटाना है, और इसको यहाँ पे लगा देना है, ऐसे हो गया। ये लगाने के बाद यहाँ पे हमको ये प्रिज्म ऐसे लगा देना है। इसको लूज कर ले, हो गया। और इसको हम लोग अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अब ये टेलीस्कोप 90x तक जूम करने के लिए रेडी है। और अभी हम लोग आ चुके हैं हम लोग के व्यू पॉइंट पे। हम लोग उस ट्री के पत्ते को जूम करेंगे इस टेलीस्कोप के थ्रू। सबसे पहले हम इस H20mm वाले लेंस से ट्राई करेंगे। इसके लिए सिंपली आपको इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ना, और अभी हम इस F6mm वाले लेंस उस स्लिप पर जूम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये फोन का कैमरा है, ये अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप जब अच्छे से देखेंगे ना तो बहुत क्लियरली दिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपको हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।